अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखेंगे उस्मान शाह ने नया घर बनाया, फार्म हाउस बनाया है अपनी ज़मीनों के आसपास। आज मौसम बहुत प्यारा है, देखें माशाल्लाह बादल गरज रहे हैं दूर। ये उस्मान शाह से हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं जी? खैरियत से? राजी बाजी? ये आपने जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा घर बनाया जी, ये हमें बताते हैं कि आपने क्या क्या इसमें बनवाया और ये हमने सेवन रूम बनवाया है। अच्छा, ये सर दिखाता हूँ अंदर से भी, ठीक है। ये यहाँ पे कि भाई जो फैमिली यहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे इजीली वो रह सकती है। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। मैंने अटैच वॉशरूम दिया है। अच्छा, ये अटैच वॉशरूम इनको दिया आपने साथ? बेड के साथ अटैच वॉशरूम कर सकती है। ये हमारा छोटा सा सेन है, जबरदस्त जबरदस्त। ये उसका बरामदा आ जाएगा, बरामदा, ठीक है। ये हमारा किचन है, यहाँ किचन भी अंदर से मैं दिखा देता हूँ। दिखाएं सर, ये किचन है। अच्छा माशाल्लाह, आपने हाइट बड़ी अच्छी रखी है छत की। हाँ, वो हाइट ज़्यादा रखने का ये मेरा है ना कि ताकि वो चीज़ हवादार रहती है। अच्छा अच्छा। और क्योंकि आपको पता है कि गांव में आजकल लाइट वगैरह का इशू होता है, तो ताकि स्पेशियस रहे और हवादार रहे। ये किचन है हमारा, जबरदस्त, ठीक है। इसको मैंने वो दो एंट्रेंस दी हैं ताकि अगर आप ये दरवाज़ा अगर आप बंद करते हैं तो आप इजीली एक्सेस आप फैमिली को आप दे सकते हैं, वो आकर खुद वगैरह कर रहे हैं यहीं से अपने रूम में आ जाए। जबरदस्त जबरदस्त। मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ा वॉश आपका मास्टर बेडरूम तो बहुत ही बड़ा। हाँ, स्पेशियस रिक्वायर था कि मतलब इजीली यहाँ पे आप लाइक दोस्त के साथ आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और मैंने ऊपर अगर आप छोड़ सके कैमरे को अगर आप दिखाएंगे, मैंने ऊपर में स्टोरेज रूम मैंने इसको दिया है ताकि वॉशरूम के ऊपर आपने एक स्टोर रूम बना दिया। और ये एक हमने कॉमन वॉशरूम दिया है जो कि दो कमरों के साथ अटैच है। इसको दो एंट्रेंस है ताकि ये वाला बेडरूम भी इसको यूज कर सकता है, दूसरा भी यूज कर सकता है। आपको मैं दूसरा मास्टर बेडरूम, जबरदस्त सर जबरदस्त। ये हवादार भी आपने रखा है इसको, बिल्कुल हवादार क्रॉसिंग बनाई है आपने जबरदस्त। और ये साथ ही इसके कर सकते हैं, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। ये आपका टूर था हमारे घर, हमें जरा ये छत का टूर तो करवाएं जी। बिल्कुल आ जाएं, आपको लेके चलते हैं, मगर जल्दी कर दें क्योंकि बारिश हो रही है। देखें जी, बारिश शुरू हो गई है और उस्मान शाह के जबरदस्त सर जबरदस्त, जैसे ज्यादा तो छत जबरदस्त है सर आपकी। व्यू देखें सर इनका, देखिए ना आपके चारों ओवर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है ताकि आप आके नेचर के पास रहें, पीसफुल जिंदगी गुजारें। अच्छा मतलब फार्म हाउस के फुल मज़े लेना चाह रहे हैं आप, तेज लाइफ आपको इन चीज़ों से दूर करती जा रही है। अच्छा, पोल्यूशन फ्री जगह है, जबरदस्त। आप ऑक्सीजन लें, अपने आप को काम डाउन रखें और नेचर के पास रहें। सर कमाल का व्यू है सर आपकी छत का, माशाल्लाह जबरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। ये जी आप देख रहे थे उस्मान शाह के शौक, उस्मान शाह ने अपना फार्म हाउस तैयार करवाया अभी नया नया, इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त कनाल सिस्टम बनाया हुआ है अपने ट्यूबवेल्स का। बादल गरज रहे हैं, मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो गया और बारिश का इम्कान लग रहा है। अभी हल्की हल्की जो बारिश के कतरे हैं वो आना शुरू हो गए, रिमझिम शुरू हो गई है। वो जी सामने जवेद साहब है,
जो इनके ठेकेदार हैं और जिन्होंने ये सारा तामीरात, हाँ डिज़ाइनिंग क्या बात है जी, ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है, लोकेशन बहुत अच्छी चूज़ की गई। सीढ़ी की क्या बात है, बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग की गई। ये जी जवेद साहब है जिन्होंने ये घर बनाया। जवेद साहब आपको क्या क्या मसाइल आए इस घर को बनाने में? नहीं, ये तो काम तो फिर करना ही है। मसाइल तो इन्हें जब बारिश आ जाती है तो फिर यहाँ का रास्ता ही नहीं होता। अच्छा, मतलब ये ऐसी जगह पे बना हुआ है घर जहाँ पे बारिश आ जाए तो रास्ता भी अच्छा नहीं होता, यानी कि एक्सेस भी नहीं होती। आठ दस घंटे आप इधर फंस गए थे, लेकिन जी माशाल्लाह बड़ा लाजवाब आपने ये घर तैयार किया है इतनी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद। ज़बरदस्त जी, बस इनको अल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये अभी इनकी एक्सटेंशन प्रोग्राम अभी बाकी हैं, को रैम वगैरह बनना है, ये को रैम भी ये लोग तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ सीनरी वगैरह बनाएंगे। ये लॉन बनना है जी इनका, ठीक हो गया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।